हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों ज़ोनटिस कंपनी के बारे में, जो कि ज़ोनटिस कंपनी इंडियन मार्केट में डेब्यू करने जा रही है दोस्तों। और ज़ोनटिस कंपनी जो इंडियन मार्केट में डेब्यू करेगी, पार्टनरशिप रहेगी इनकी अभिश्वार ऑटो राइडर प्राइवेट लिमिटेड के साथ दोस्तों। ये वही ग्रुप है दोस्तों जो कि बेनेली और कीवे को जो है ओन करता है इंडियन मार्केट में सेल करने के लिए दोस्तों। तो अब जो है इनके पार्टनरशिप में ज़ोनटिस भी जो है इंडियन मार्केट में एक और बाइक जो है लॉन्च करने वाला है, या माफ़ कीजिएगा, ये कंपनी भी जो है पार्टनरशिप में लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट में। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ज़ोनटिस की तरफ से कौन कौन से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं दोस्तों, ये एक चाइनीज़ मेकर कंपनी, हाँ प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होंगे इनको, नो डाउट। और काफ़ी अच्छी जो है ये अपने प्रीमियम सेगमेंट में जो है बाइक को लॉन्च कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तीन बाइक जो है ये इंडियन मार्केट में अभी न्यूज़ निकल के आ रही कि ये कम से कम नहीं तो तीन बाइक जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। पहली जो होगी इनकी एडीवी सेगमेंट की, यानी एडवेंचर कैटेगरी की होगी। दूसरी जो होगी स्ट्रीट फाइटर कैटेगरी की होगी, यानी टूर करने के लिए या टूरिंग के पर्पज़ से जो है ये बाइक को लॉन्च कर सकते हैं। तीसरी जो इनकी बाइक होगी वो दोस्तों स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो है बाइक होने वाली है दोस्तों। तो ये तीन तरह की जो है बाइक को लॉन्च कर सकते हैं, और तीनों में दोस्तों आपको इंजन जो देखने को मिलेगा वो 312 cc का जो है इनका इंजन आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 300 cc का आपको इंजन इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किस किस कैटेगरी के, किस किस बाइक सेगमेंट को जो है टक्कर देगी। तो दोस्तों डेफिनेटली KTM 390 एडवेंचर को और ड्यूक 390 को जो है ये टक्कर देगी। और साथ में इनकी एडवेंचर कैटेगरी में जो बाइक लॉन्च हो रही है दोस्तों, वो जो है BMW GS310 को जो है टक्कर दे सकती है, या G310R को भी जो है टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी, ये बाइक कैसे कैसे आएगी। तो डेफिनेटली दोस्तों इंडियन मार्केट में एक और नया प्रोडक्ट आ रहा है, नई कंपनी आ रही है, जो कि डेफिनेटली कस्टमर के पास और ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। तो दिक्कत ये होगी दोस्तों, आने वाले मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इंडियंस को, और जो है अब लेना या नहीं लेना अब उनकी समझ में है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेते हैं या नहीं लेते। हालांकि बेनेली और कीवे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस इंडियन मार्केट में देखने को मिला है, तो आई होप ज़ोनटिस कंपनी को भी जो है इंडियंस काफ़ी अच्छा पसंद करेंगे। तो दोस्तों सिंगल सिलेंडर में आने वाली है ये, लिक्विड कूल आपको इंजन देखने को मिलेगा दोस्तों। 312 cc का इंजन आपको देखने को मिल सकता है इसमें, तीनों ही बाइक में जो है सेम इंजन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब ये बाइक जैसे ही लॉन्च होती है दोस्तों, मैं इसके ऊपर भी एक और वीडियो बना के ले आऊँगा। अभी तक तो यही अपडेट था, फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।